हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे एगलेस ऑरेंज कपकेक। ये केक इतना ज़्यादा मॉइश होता है ना, ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। दोस्तों, चलिए फटाफट से रेसिपी भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में है ये फ्रेश निकाला हुआ ऑरेंज जूस, और एक ऑरेंज को हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। मैदा है, पिसी चीनी और दही हमने लिया है, और यहाँ पर हमने लिया है ऑयल भी। तो आगे क्या करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मैदे को हम पहले छान लेंगे। दोस्तों, बेकिंग जो है वो हमेशा छान करके मैदे को यूज़ किया करें। तो विकफील्ड कंपनी का हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं और सोडा, और डाल देते हैं हम सॉल्ट। सबको छान लेते हैं। रेसिपी के जो मेजरमेंट हैं वो सामने लिखे हुए जा रहे हैं, आप उसको ज़रूर ध्यान दिया करें। चलिए जी, ये रेडी हो गया है। अब हम इनको कर देते हैं साइड में, और एक दूसरे बाउल के अंदर मैं डाल देती हूँ दही। और दही डाल करके ये हैंड विस्कर से खूब अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे, ताकि दही का जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो करके स्मूथ हो जाए। और इसके अंदर अब हम जो पिसी हुई चीनी है ये डाल करके थोड़ा ज़्यादा देर तक फेंटेंगे, ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ी दिखाई देने लग जाए। तो हम जो है, चलिए फेंट लेते हैं इसको करीब एक मिनट के लिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने ऑरेंज पाउंड ग्लेज केक की रेसिपी मेरे चैनल पर पोस्ट किया है। वो केक जो है ना, आइसिंग वाला नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो डिलीशियस बनता है। वो टी टाइम केक है। ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप ज़रूर उस केक को चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब हमने ऑयल डाल देना है। अब ऑयल और शुगर और दही को इतना फेंटना है कि ये वॉल्यूम दिखाई देने लग जाए, यानी कि अच्छा फुला हुआ ये देखिए दिखने लग गया है। तो अब हम यहाँ पर ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे। तो उससे पहले मैं डाल देती हूँ ऑरेंज कलर। मेरे पास में लिक्विड वाला कलर ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर पाउडर वाला लिया है। तो बहुत सावधानी से ऐड करेंगे, क्योंकि ये बाद में ना मेल्ट होते हैं। तो मेरे लिए इतना जो है कलर इनफ है, मैं अभी इससे ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। और ये रेडी हो गया है। और अब हम डाल देते हैं मैदा। मैदा ग्रेजुअली ऐड करें, एक बार में पूरा नहीं डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून भर करके मैंने डाला है, और बहुत ही हल्के हाथों से इसी विस्कर के थ्रू जो है हम मिला लेते हैं। इस केक के अंदर आपको बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको बना पाएंगे। तो ये देखिए जी, ये काफ़ी अब थिक हो गया है। मुझे अब लिक्विड की ज़रूरत लगेगी यहाँ पर दोस्तों। तो हमने फ्रेश ऑरेंज का जूस जो है वो रेडी रखा है, और मेरे पास में और भी है, ज़रूरत लगेगी तो मैं अभी और भी ले लूँगी। तो अभी हम 1/4 कप जो है यहाँ पर डाल करके देख लेते हैं कि क्या हमें आगे और ज़रूरत लगेगी। दोस्तों, ये एगलेस केक है, इसलिए यहाँ पर लिक्विड जो है ना वो अंडे वाले केक से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि अंडे के अंदर जो है वो लिक्विड होता है, तो वहाँ पर लिक्विड कम लगता है। ठीक है, तो ये देखिए जी, 1/4 कप हमने पहले डाला, और थोड़ा सा हम यहाँ पर और ऐड कर रहे हैं, और हम इसको आराम से मिक्स कर लेते हैं। अवन हमारा 180 डिग्रीज पर प्रीहीट हो रहा है, हमने इसको 15 मिनट पहले जो है ऑन करके रखा है। तो बैटर काफ़ी थिक लग रहा है दोस्तों, और ये अभी हमने डाल करके लास्ट एक बार मैं और चेक करूँगी, क्योंकि बैटर मुझे जो है ना वो थोड़ा सा लूज़ बनाना है, ताकि हमारा केक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये भी जो है ऑरेंज का जूस डाल दिया है। टोटल 1/2 कप जो है इसके अंदर ऑरेंज जूस जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ऑरेंज का जो जेस्ट है ना, ये हम यहाँ पर फ्रेश डालेंगे। अभी सीज़न में है तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, यहाँ पर ऑरेंज एसेंस नहीं भी डालेंगे ना, तो ज़रूरत ही नहीं डालने की। मैं कभी भी ऑरेंज एसेंस अपने केक में नहीं डालती हूँ। जेस्ट इसका जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की खुशबू और फ्रेशनेस देता है। मैं अगर एग वाले भी बनाती हूँ तो भी उसमें मैं ऑरेंज का एसेंस नहीं डालती हूँ दोस्तों, इसी जेस्ट के साथ में काम चलाती हूँ, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इसी तरीके से ट्राई करिएगा। चलिए जी, ये रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर ये देखिए तैयार हो गया है। अब हम इसको भर लेते हैं एक पाइपिंग बैग के अंदर। पाइपिंग बैग में भर करके डालने से ना ये बहुत ही क्लीन निकलेगा बैटर, और मैसी नहीं होगा आपका जो कैसेस पेपर है। ठीक है, मैंने बहुत ही टाइनी सा छोटा सा इसको कट किया है, क्योंकि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर है ना, तो फिर वो संभाल में नहीं आता, इधर उधर गिर जाता। तो थोड़ा स्लो गिर रहा है, वो चलेगा, लेकिन मैस नहीं होना चाहिए। तो चलिए जी, हमने पूरा इसको भर लेना है। आप चाहें तो बड़ा केक बना सकते हैं, यानी कि अगर कप केक नहीं बनाना है तो बड़ा बना लीजिए 6x6 के मोल्ड में डाल करके। चलिए, हम इसको अवन में डाल देते हैं 180 डिग्रीज पर के ऊपर। 180 डिग्रीज पर हम इसको बेक कर रहे हैं, और ये जो हमारा बचा हुआ ऑरेंज का जूस है ना, इसको हम पकाएंगे।
ठीक है। यहाँ पर फ्रेश जो है हम यूज़ कर रहे हैं, अभी सीजन में है तो हम इसका फ़ायदा जो है वो फ्रेश से ही उठाएंगे। तो शुगर हमने एक टीस्पून डाला है और यहाँ पर केक देखिए हमारा राइज होने लग गया, और हम इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा एक उबाल लाते हैं, उसके बाद में हम फ्लेम को कर देंगे स्लो। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आए करें तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर दिया करें, ठीक है जी। चलिए देखिए इसकम जो आ रहा है ना साइड में, ये हमको रिमूव कर देना है यहाँ से, और मैंने पहले भी दो बार निकाला है लेकिन ये लास्ट और फाइनल हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा जो जूस है ना वो रिड्यूस हो चुका है। और यहाँ पर अब हमें लगेगी थोड़ा सा जेस्ट की ज़रूरत, एक बिल्कुल ऑरेंजी ऑरेंजी वाला एकदम फ्रेशनेस जो है ये केक आपको लगेगा दोस्तों, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है, फटाफट से बन जाते हैं। अच्छा जी, मैंने बहुत ही ज़रा सा यानी हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में मिक्स करके रखा था, वो हमने डाल देना है यहाँ पर। बस दो टी स्पून मैंने घोला हुआ डाला है, ठीक है, आप पूरा पाउडर फॉर्म में डाल दीजिएगा दो टी स्पून, ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। चलिए फ्लेम ऑफ कर दिया है हमने, उसको रख दिया साइड में। केक हमारा बाहर आ चुका है ओवन से, टोटल टाइमिंग को लगे हैं 20 से 22 मिनट, और क्रीम को हम इस बीच जो है फटाफट से बीट कर लेते हैं। केक जब तक हमारा ठंडा हो रहा है, क्रीम भी हमारी बीट हो गई है, क्रीम को हमने ज़्यादा देर तक बीट करते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो फिर और लंबा हो जाता। हम इनको पाइपिंग बैग में हमने भर लिया है, रोजेट वाला जो नोज़ल आता है उसी के अंदर मैंने इसके अंदर मैंने लगाया है, क्योंकि मुझे सिंपल रोजेट बनाना है लेकिन डबल लेयर में बनाना है। आप चाहें तो सिंगल में बना सकते हैं, डबल लेयर का मतलब यहाँ पर ये देखिए मैं स्लो आपको करके दिखा रही हूँ, कोई बिगनर अगर मुझे देख रहा है तो वो समझ जाएगा। 20 से आपको ये फ्लावर उठाने हैं और ऐसे किनारे किनारे लेकर जाने हैं, ठीक है, और यहीं से फिर डबल हो जाना है यानी ऊपर चले जाना है, ये थोड़ा हाइट में हो जाएगा। अगर आपको सिंगल बनाना है तो आप बिल्कुल सिंगल बना लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ से 20 से उठाया और इसको मैं गोल गोल ऐसे लेकर के जा रही हूँ। अगर आपको सिंगल करना है तो बस यहीं पर आप रुक जाएं, मैंने क्या किया वहीं से मैं ऊपर आ गई, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसी तरीके से पूरा रोजेट जो है वो केक के ऊपर बना लेते हैं। टोटल 6 कप केक रेडी हुए हैं हमारे पूरे मेजरमेंट के साथ, और ये जो हमने जेल बनाया था ना ऑरेंज का, ये हमने एक दूसरे पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और ऊपर हम ड्रिजल कर देते हैं। बहुत ही यमी लगता है ये केक दोस्तों, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ऑरेंज के सेगमेंट कुछ हमने निकाल करके पहले से रखे हुए हैं गार्निशिंग के लिए, वो हम फटाफट से यहाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे क्या होगा मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो ये देखिए जी केक तैयार हो गया है, चलिए स्ट्रॉबेरी का भी सीज़न है, किसी दिन उसकी भी रेसिपी अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।